अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि हमने एक पोस्ट दी थी कि नेक्स्ट वीडियो इंपीरियल उद पे होगी, तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इंपीरियल उद बाय जे डॉट की, जे डॉट ने इसको रिसेंटली रिलीज़ किया है। प्राइस इसकी है 3500 रुपीज़ और 100 ml की बॉटल है। बॉटल बहुत अच्छी है, प्यारी बॉटल बनाई है उन्होंने, डिसेंट लगी है। जे डॉट की ये फ्रेगरेंस जो है ना, मेरी ओपिनियन के मुताबिक टस्कन लेदर बाय टॉम फोर्ड की कॉपी है। टस्कन लेदर टॉम फोर्ड की टॉप सेलिंग फ्रेगरेंसेस में से है। टॉप 10 में तो आई थिंक वो है ही है, टॉप 5 में भी वो आती है। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब कमाल की फ्रेगरेंस है उनकी। उनके जो है टॉम फोर्ड वो पहला शख्स है जिसने ऊद को, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ऊद को फर्स्ट टाइम परफ्यूम के अंदर रिलीज़ किया और लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद क्रिस्टन डियोर ने ऊद अस्फहान बनाई, उसके अलावा अरमानी ने ऊद रॉयल के नाम से बनाई, और कहने का मतलब आगे फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने उसको ऊद को परफ्यूम के अंदर यूज़ किया। और अब पोजीशन ये है कि तमाम ब्रांड्स के ऊद वाली रेंज भी मौजूद है परफ्यूम के अंदर। इससे पहले ऊद जो है वो या तो वुड की तरह की इस्तेमाल होती थी, या जलाने के लिए इस्तेमाल होती थी, या अतर के तौर पे इस्तेमाल होती थी। तो ये फर्स्ट बंदा ऐसा है। बार के मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जी कि ये आपको ना ज़रा एक ना मौलवियों वाली फ्रेगरेंस लगती है, या इसको आप ऐसा कह लें जुमे वाले दिन लगाने वाली फ्रेगरेंस है। तो मेरा उन लोगों से ना, उन दोस्तों से ना इख्तलाफ है। मैं उनकी इस राय को ना मतलब कोई इतनी कोई वैलिड बात नहीं समझता। उसकी वजह ये कि अगर आप नेचुरल ऊद को इस्तेमाल करें, वो कुछ और चीज़ है। वो उसकी फ्रेगरेंस, उसकी मतलब जो है ना, वो उसका डिस्क्रिप्शन ही कुछ अलहदा है। वो एक आइडिया, वो टेस्ट ही एक अलहदा है। और अगर आप इसको वुड के तौर पर जलाने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो एक उससे अलहदा चीज़ है। मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट एक उससे अलहदा चीज़ है। वुड को अगर जलाएंगे तो एक मीठा सा, एक स्पाइसी सा, एक स्मोकी सा टोन आता है। मतलब इस तरह कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उसकी रेंज के, वो मतलब कहाँ का हिंद की लकड़ी है, इंडिया की लकड़ी है, या कंबोडिया की लकड़ी है, या आसाम की लकड़ी है, वो एक अलग चीज़ें आती हैं। लगाने में भी उसका डिफरेंस है, लेकिन जो उसका तेल है वो उतना ही कड़वा होता है, उतना ही मतलब पावरफुल होता है जितनी स्वीट, और जितना मज़ा उसकी लकड़ी में आता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। और अब ऊद को और ये परफ्यूम के साथ अगर उसको मतलब डिस्क्राइब करूँ, तो ये उसकी मॉडरेट फॉर्म है। इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर वो ज़मीन है तो ये आसमान है, ये अगर 10 मतलब ये अगर 100 है तो वो 10 है। मतलब कहने का मतलब 10 और 100 का डिफरेंस है इन दोनों की फ्रेगरेंसेस में, मिलती जुलती फ्रेगरेंसेस नहीं है। हाँ, इसमें आपको लगता है इस तरह है कि ये ज़रा ओरिएंटल मशरकी सी फ्रेगरेंस है, हमारे कल्चर वाली फ्रेगरेंसेज हैं, हम ज़्यादातर इसको मतलब ना प्रेफर करते हैं, या हमें आइडिया इसका ज़रा होता है, ये इस वजह से हमें यहाँ की लगती है, मौलवियों वाला हम कह देते हैं, लेकिन मुझे इससे इख्तलाफ है। तो बाकी अब इसकी डिस्कशन करें, ये इस तरह है कि इसका ओपनिंग नोट इस तरह है कि इसमें ज़ाफ़रान का टोन आता है। ज़ाफ़रान का टोन, अगर आप में से किसी ने उदय कदीम को इस्तेमाल किया हो, तो जो उदय कदीम में एक ज़ाफ़रान का एक चुलबुला सा ओपनिंग नोट आता है ना, इसमें भी वैसे ही नोट आता है। अगर बल्कि यह आई बेल में मैं आपको उसकी उदय कदीम की वीडियो भी लगा दूंगा, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ना ज़ैफ़रान के साथ ना लेदरी टोन आता है। लेदरी टोन इस तरह आता है कि कार के अंदर लेदर सीट्स नहीं होती, या लेदर जैकेट्स होती हैं, हम जो प्योर लेदर जैकेट्स वगैरह लें, उनमें से एक जो टोन आती है ना, जो बिल्कुल न्यू की एक टोन आती है, वो ये टोन होती है, मतलब महसूस होती है इसके अंदर। उसके और नीचे आए ना, ड्राइडाउन के अंदर आए, तो ये आपको ना एक मीठा सा टोन देती है, वुडी सा मीठा सा टोन देती है, जिसे ऐसा कह सकते हैं कि शरबती सा, जैसा संदल की शरबत की मिठास नहीं होती, मीठा सा जायके वाला एक टोन होता है। इसकी टोन भी ना, इसकी खुशबू भी मुझे वैसे महसूस होती है। इसमें ऊद का इस्तेमाल नहीं है, कड़वापन ऊद का नहीं है। हालांकि नाम इसका ऊद इंपीरियल ऊद है, ऊद का नाम रखा हुआ है, लेकिन ऊद का इसमें फ्लेवर नहीं महसूस होता, मीठा सा टोन एक महसूस होता है इसमें, जो सैंडलवुड का है। इसके मज़ीद इससे नीचे आएँ तो इसकी फ्रेगरेंस इस तरह होती है, इसमें ना एक स्मोकी सा, फीका सा, मतलब जिसमें कोई जायका ना हो, किसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आपने मीठा खाने के बाद कोई ऐसी जिसमें कोई जायका ना हो, वो आपने कोई चीज़ ली हो ना, तो उस तरह का एक फीका सा टोन इसमें महसूस होता है, वो एम्बर का टोन महसूस होता है। अगर तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारी फ्रेगरेंस को चेक किया है ना, मतलब ज़ाफ़रान से बाद लेदरी टोन के बाद, अगर सैंडलवुड को भी आपने टेस्ट करने के बाद एम्बर वाली टोन पे आए ना, तो आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा कि ये एम्बर की टोन है, मिठास यहाँ कम होगी, फीकापन आ गया।
लेकिन अगर आपने वैसे ही काफ़ी देर बाद उसको चेक किया या बिन एंड में आए, तो आपको वो जो एम्बर कट होना उसमें भी हल्की सी मिठास महसूस होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपने एम्बर को प्रॉपर इसको चेक करना है ना, तो आप थोड़ी देर बाद चेक करें तो आपको एक फीका सा टोन महसूस होगा सैंडल के बाद। फ्रेगरेंस अच्छी है, मुझे ये पसंद है। मतलब मुझे वैसे भी एक पावरफुल सी, मतलब ना पावरफुल तो इतनी खैर नहीं है ये, लेकिन एक मैच्योर फ्रेगरेंसेस मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत से दोस्तों ने पूछा कि आपकी फेवरेट फ्रेगरेंसेस कौन सी हैं। मुझे जो फेवरेट फ्रेगरेंस लगती है ना, वो ऊद मेरी फेवरेट है और उसके बाद शमामा मेरी फेवरेट है। मुझे ये फ्रेगरेंसेस ज़्यादा पसंद है। इससे मतलब एक होती है ना कि जो गर्मियों में बिल्कुल लाइट सी, मतलब अब मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ, मतलब फ्रेश सी, जो बिल्कुल लाइट सी मीठी मीठी सी टोनें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती मुझे। ये ज़रा ज़्यादा मैच्योर फ्रेगरेंसेस जो है ना, इसमें एक अलग ही नशा है, अलग ही एक ना इसकी गुंजलें हैं या शाखें हैं जो खिलती रहती हैं, मतलब निकलती रहती हैं। मुझे ये इसका ज़्यादा मज़ा आता है। बरकैफ इन शॉर्ट, इसकी जो लास्टिंग है उस पर डिस्कशन करें। इसकी लास्टिंग इस तरह है कि मुझे इसकी लास्टिंग तकरीबन 7 से 10 घंटों के आसपास की महसूस हुई। ये सर्दी की फ्रेगरेंस है, आप इसे सर्दी में ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसके बाद इसकी जो प्रोजेक्शन रही, प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से 3 से 3.5-4 घंटों के आसपास इसकी प्रोजेक्शन रही। आप ऐसा करें कि 2.5 से 3.5 घंटे कर लें इसकी जो प्रोजेक्शन है, उसके बाद आपको खुद महसूस होगी, आपके बॉडी तक रहेगी, मतलब थोड़ा फासले तक भी रहेगी। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, आपको महसूस होती रहेगी 7 से 10 घंटों के आसपास तक। फ्रेगरेंस प्राइस की तरफ से थोड़ी सी इसकी प्राइस हाई है। मेरी ओपिनियन थी कि मेरी एक अपनी राय के मुताबिक इसकी प्राइस 2500 से 3000 के अंदर होनी चाहिए थी। इसकी प्राइस है 3500। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अल्फ़ा बाय ईडन रोब के ऊपर भी डिस्कशन करें, क्योंकि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा था कि ईडन रोब की अल्फ़ा के ऊपर आप लाजमी डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह उनके लिए नेक्स्ट अल्फ़ा के ऊपर डिस्कस करूँगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर उस वीडियो के साथ आएंगे। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।